हरिओम मित्रों, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। एक बहुत बड़ी खबर, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक छोटी बच्ची के साथ उनका गलत तरीके से वीडियो तोड़ मरोड़ कर वीडियो बनाकर उसको जो प्रसारित किया गया था, उस मामले में चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, अभिनव राज, रसिद, इनको न्यायालय में पेश होना पड़ा। मित्रों, इनको न्यायालय में पेश होना पड़ा 7 मई को। परसों 7 मई 2022 को इनको न्यायालय में आना पड़ा। किंतु इसमें हम आपको एक बड़ा मज़ेदार एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें चित्रा त्रिपाठी कैमरे से मुंह छिपाकर भाग रही है। हाँ मित्रों, न्यायालय में जब ये लोग आए तो इनसे सवाल किए गए। कुछ वहाँ सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ बापू के कुछ अनुयायी भी वहाँ होंगे, जो भी थे जिन्होंने भी उनको सवाल किया वे मुंह छुपाकर भाग रहे थे। चित्रा त्रिपाठी का वो खास वीडियो भी हम इस वीडियो में आपको क्लिप दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से भाग रही है, जो अपने स्टूडियो में बैठकर अपने कैमरों के सामने बैठकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर जो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को बदनाम कर रही थी, हम सब ने देखा 2013-14 में, और आज तक ये सब चल ही रहा है। उन लोगों का झूठा बदनाम किया जा रहा है हमारे बापू जी को, हमारे संतों को, हमारे सनातन संस्कृति को इन भ्रष्ट पत्रकारों द्वारा, इन बिकाऊ पत्रकारों द्वारा। लेकिन आज इनको न्यायालय में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने बापू जी के साथ उस बच्ची का गलत तरीके से वीडियो तोड़ मरोड़ कर छेड़छाड़ की, उस वीडियो क्लिप के साथ और उसको प्रसारित किया। तो आज उन पर बॉक्सों की धारा लग गई, उनको न्यायालय में उनकी पेशी हुई। और कुछ अभी देखिए, मैं आपको पहले वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें वो भाग रही है चित्रा त्रिपाठी। आज उसको भागना पड़ रहा है भाई, आज वो सामना नहीं कर पा रही है कैमरे का। चलिए पहले न्यूज़ आपको मैं पूरी सुना दूँ, उसके बाद हम देखेंगे वो वीडियो क्लिप जिसमें चित्रा त्रिपाठी भाग रही है, दौड़ रही है। उसे सवाल पूछा जा रहा है पर उसमें हिम्मत नहीं है कैमरे का सामना करने की। चलिए पहले न्यूज़ हम देखते हैं पूरी। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित मामले में आरोपी चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, अभिनव राज, रसिद न्यायालय में हुए पेश। मित्रों खबर है गुरुग्राम से, नाबालिग की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में अब 6 जून को सुनवाई होगी। आज आरोपी चित्रा त्रिपाठी, आज मतलब 7 मई की ये न्यूज़ है, आज आरोपी चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, रशीद, अभिनव राज अदालत में पेश हुए। इस केस के अन्य आरोपी दीपक चौरसिया, ललित सिंह, सुनील दत्त, मोहम्मद सोहेल को भी आज कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। दीपक चौरसिया ने पेश होने के लिए समय मांगा तथा सैयद सोहेल ने बीमारी का हवाला देकर अगली तारीख में पेश होने के लिए समय की मांग किया। ये खबर बता रही है कि दीपक चौरसिया ने और सैयद सोहेल ने कुछ बहाने किए। सैयद सोहेल ने बीमारी का हवाला देकर अगली तारीख में पेश होने के लिए समय की मांग किया। मित्रों सैयद सोहेल ने कितना बड़ा झूठ न्यायालय के साथ बोला है, न्यायालय को धोखा दिया, न्यायालय का अपमान किया है। अभी इस विषय में भी न्यायालय में सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे कि उसी दिन जिस दिन उसको अदालत में पेश होना था 7 मई को, उसी दिन वो अपने चैनल पर लाइव आकर, उसने अपने चैनल पर वो लाइव था और बीमारी का हवाला दे रहा है और अपने चैनल पर बैठ के वो प्रोग्राम कर रहा है। कितना बड़ा झूठ न्यायालय के साथ। जिस पर पीड़िता के अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा ने अदालत को बताया कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों के जमानती वारंट 7 मई के लिए जारी किए गए थे लेकिन 8 में से 4 आरोपी ही अदालत में पेश हुए। मित्रों अब देखिए ये पूरा मामला, पिछले भी कई वीडियो में इस पर चर्चा हुई है, आपको सब पता ही है किस तरीके से बापू जी को बदनाम करने के लिए ये सब इन्होंने किया। तो चित्रा त्रिपाठी जब न्यायालय में आई, बाकी ये दीपक चौरसिया, सोहेल, इन्होंने तो बहाने किए लेकिन सभी पत्रकार, और कब तक ये सब बहाने करेंगे, सबको आना ही पड़ेगा, दीपक को भी आना ही पड़ेगा। तो आज 7 मई को मतलब चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, अभिनव राज और रसिद को न्यायालय में आना पड़ा। और चित्रा त्रिपाठी का वीडियो क्लिप आपको भी दिखा रहा हूँ, देखिए वो बड़ा मज़ेदार वो दृश्य देखिए, कैसी भाग रही हो, उसमें हिम्मत नहीं है सामना करने की, जवाब देने की, क्योंकि वो झूठ है, वो भ्रष्ट है, बिकाऊ है। उसको जब सवाल किया गया कि मैडम चित्रा मैडम आज यहाँ आप कैसे, आप न्यायालय में क्यों आई,
तो वो भागने लगी, देखिए कैसे भाग रही है, चलिए देखिए वो वीडियो क्लिप। और इस पर जो बहन उनको सवाल कर रही है, जो बहन उनके पीछे दौड़ रही है, वो जल्द ही हमारे चैनल पर लाइव आएगी और बताएगी पूरा किस्सा, पूरा मामला। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि इस विषय पर अभी हम और अपडेट देते रहेंगे। इस पर हम चर्चा सत्र भी लेके आएंगे, कल परसों सोमवार 9 मई को भी एक चर्चा सत्र इस पर हुआ, जिसमें एक एडवोकेट साहब भी जुड़े थे और भी कई हिंदुत्ववादी और कोई साधक भी जुड़े थे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जरूर चर्चा सत्र देखिए। और आज रात, आज मतलब 13, आज 11 मई को, आज 11 मई को रात ठीक 9 बजे दो शेरनियाँ आएंगी और इस विषय पर दहाड़ेंगी, एक बहुत बड़ा विषय। उसमें तो एक वो भी बहन होगी जो चित्रा के पीछा कर रही थी और चित्रा उससे भाग रही थी। चलिए पहले वो देखते हैं वीडियो क्लिप, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मित्रों, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज रात को मिलेंगे हम, आज 11 मई को रात ठीक 9 बजे होगा लाइव चर्चा सत्र इसी विषय पर। देखिए कैसी भाग रही है चित्रा। मैडम रुको रुको रुको, आज तक की चित्रा कृपा की है मैम, मैम एक सेकेंड मैम, लिसन टू मी, आप तो विचारों से व्यक्ति की बात करते हैं, आप खुद ही नहीं देंगे इंटरव्यू। पॉक्सो का मामला है गुड़गांव थाने का, सब कुछ पता था, माता का जवाब दे दो, बातें तो करके ना इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी न्यूज़ वाले की। चित्रा मैम प्लीज मैम बात तो सुनिए, चलो दो माता का जवाब इनसे ले लो, बात करनी है तो बात करनी है। चित्रा बेटा नाम दो लेकर के पूछो, चित्रा त्रिपाठी मैम दो मिनट बात कीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई वांट टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स मैम। चलो छोड़ो रे, छोड़ो,